वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीएस 201 की जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग की थर्ड असाइनमेंट आई हुई है उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो है इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त है, ठीक है। 2 अगस्त को भी आप सबमिट करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा भी एक पूरा डे होता है। एक हर असाइनमेंट का ऑटोमेटिकली जो है वो 24 घंटे यानी कि एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक्सटेंड डे मिलता होता है, तो जिसमें हम उसमें भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर ऊपर से ऑप्शन ख़त्म हो जाती है लेकिन अंदर ऑप्शन आ रही होती है सबमिट की, ठीक है। तो वैसे इसकी 1 अगस्त ड्यू डेट है। बाकी जो है आप लोगों ने इसका जो है वो सबमिट करवानी है असाइनमेंट्स डेव के अंदर, इसको आपने रन करना है। और इस असाइनमेंट्स के ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप लोगों को कंसेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए तो आप असाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट डॉट cpp फाइल इसकी करवानी है, ठीक है। ना कि वर्ड फाइल में आपने कोड भेजना है, ना दूसरी उसमें pdf में, जस्ट डॉट cpp फाइल। डॉट cpp फाइल वो होती हैं जो आप डेव के अंदर जब इसको रन करके सेव करेंगे ना, तो उसको डॉट आपने कोई नेम दे के, बल्कि अपनी आईडी का आप नेम देना और डॉट cpp राइट करना, ठीक है। तो वो आपके पास डॉट cpp फाइल आ जाएगी इस तरह की, मैं आपको दिखाती चलूँ इस तरह की, ठीक है। ये वाली जो है डॉट cpp फाइल है, तो ये आप लोगों ने इस तरह की सबमिट करवानी है। बल्कि फर्स्ट भी और सेकंड भी आप लोगों ने करवाई हुई है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने केयरफुली से अच्छी तरह से रीड कर लेनी है कि क्या दी गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके मुताबिक आप लोगों ने इसका सर्कल और रेक्टेंगल जो है सेपरेट क्लासेस वो आप लोगों ने इसकी कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ पे कह रहा है कि अबव टास्क यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट 3 सेपरेट क्लासेस, सर्कल की और रेक्टेंगल की 3 सेपरेट क्लासेस। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंकर द प्रोग्राम शुड सेट द रेडियस ऑफ सर्कल का, कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है रेक्टेंगल का लेंथ और उसकी विड्थ जो है वो फाइंड करनी है। तो इस तरह से यानी कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आउटपुट भी इसकी रन करके, तो आप लोगों को पता चल जाए क्या करना है। बाकी यहाँ पे ये सारी जो है दिया हुआ उन्होंने कौन से आप लोग जो हैं वो फंक्शन वगैरह इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है दम, ठीक है, ये मेन फंक्शन का भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों ने लेंथ, रेडियस और विड्थ की जो रखनी है वो माउंट भी उन्होंने दी हुई, मतलब सब कुछ उन्होंने आप लोगों को क्वेश्चन फाइल के अंदर गिवन है, जस्ट आप लोगों ने इसका सलूशन रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप लोगों ने सोर्स डाटा ऑफ द क्लासेज, यानी कि अगर आप लोगों ने इसके मुताबिक ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स दी हैं इनके मुताबिक वर्क ना किया तो आप लोगों के जो है मार्क्स कम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सिंपल स्क्रीनशॉट भी दिया है कि इस तरह के आप लोगों की आउटपुट होनी चाहिए। और ये लाजमी नहीं है कि अब उन्होंने ये वाली चीज़ यहाँ पर राइट की है आउटपुट में, तो आप भी यही करें। आप अपने तौर पर इसमें थोड़ी बहुत ही यानी कि चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्शन 1 लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ आप चेंजिंग कर सकते हैं और क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की जो है वो आउटपुट लिखी, लेकिन आप लोग अपने जो है तौर पे चेंजिंग करके भेजा कर, जितना ज़्यादा आप चेंजिंग करते हैं उसमें आपकी वर्डिंग आउटपुट की जितनी ज़्यादा चेंज होती हैं उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें तो ये शो हो, 2 करें तो ये शो हो, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं करनी तो उसके लिए हम नो का यूज़ करें तो फिर ये जो है हमें सारा डाटा जो है वो शो हो जाए सारा, ठीक है, और ये टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अब हम जाते हैं डेव की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट्स नंबर 3 सॉल्यूशन, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है और डॉट cpp करके फिर इस फाइल को आपने यहाँ पे फाइल करना है, फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करना है। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, इस जगह पे आपने अपनी आईडी लिखनी है और डॉट cpp लिखना है, इसको सेव करवा देना किसी भी डेस्कटॉप में जहाँ में भी आप करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास इस तरह की cpp फाइल आ जाएगी, उसको आप डेव के अंदर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ ऊपर आप कमेंट दे के तो आप अपनी आईडी और नेम जो है वो लाजमी मेंशन किया करें, इससे भी बहुत जो है वो होता है। यहाँ पे आप लिखे करें, अपनी आईडी लिख लिया करें और साथ में जो है जो भी आप लोगों की आईडी होगी, ठीक है, तो वो आप लिखा करें और साथ में नीचे अपना कमेंट दे के नेम भी आप राइट किया करें, ठीक है। यहाँ पर तो इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपने चेंजिंग करनी है इसमें।
और उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे इसके आउटपुट के अंदर जो है वो आप लाजमी यहाँ पे इन चीज़ों में जो आपने सी आउट करवानी है चीज़ें, ठीक है, वो आप इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर लें, ठीक है, इन जगह पे इस टैरी कम कर लें। और जो है यहाँ पे आपने अपनी आईडी जो है वो लाजमी मेंशन करनी है। यहाँ पे हैप्पी मूड की जगह पे मैंने हैप्पी मूड लिखा, आपने अपना नेम राइट करना है इसके अंदर, और यहाँ पे आपने अपनी आईडी राइट करनी है इस कोड के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप प्लीज़ एंटर ऑप्शन वन ऑफ आर द, मतलब इस तरह की आप चेंजिंग कर सकते हैं इस कोड के अंदर, बहुत ज़्यादा आप चेंजिंग कर सकते हैं इनमें, तो आप लोग का जो मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपाइल और रन जो है मैं इकट्ठा ही इसको करती हूँ, तो ये कंपाइल और रन जो है होने के बाद ये रन हो गया, ठीक है। कोड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है रन हो रहा है। तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोग की आईडी और नेम जो है वो लाजमी शो होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग की आईडी शो आउटपुट में, यहाँ पे नेम तो मैंने बता दिया जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है इसमें, इसके अंदर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने जो है वो ऑप्शन वन सेलेक्ट करनी है अपनी मर्जी से, या ऑप्शन टू सेलेक्ट करनी है, रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करना है या सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो ऑप्शन वन एंटर करें और ऑप्शन टू, ठीक है। तो हमें ऑप्शन वन जो है वो मैं करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन वन मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास एरिया। तो मैं आप लोगों को आउटपुट में भी दिखाती हूँ, यहाँ पे जो उन्होंने आउटपुट दी हुई है ये फर्स्ट वाली, ठीक है। जब हमने फर्स्ट को ऑप्शन फर्स्ट वाली सिलेक्ट की तो ये आउटपुट शो हुई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, बिल्कुल सेम, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये वाला क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आप लोगों ने ये वाला यहाँ पे इतना इतना इसका लेनी है, लेंथ एरिया वो ये सारा, तो आप लोग जो हैं उसी मुताबिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलिएगा, ठीक है। तो ये वाली, उसके बाद अगर हम ऑप्शन टू क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं टू राइट करती हूँ, और तो जो है यहाँ पे बल्कि टू राइट नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप कोई दूसरी ऑप्शन क्लिक कर सेलेक्ट करते हैं ना तो वो प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ऑप्शन टू क्लिक किया है बजाय इसके कि मैं इसको येस करती या नो करती। येस करती तो मैं नेक्स्ट जो है वो एंट्री कर पाती इसको ऑप्शन वन या सेलेक्ट की। तो ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप इन में से वन टू में सॉरी ये यस या नो के अलावा अगर यहाँ पे ऑप्शन क्लिक किए हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको जो है वो कंपाइल रन करती, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा जो है वो एंटर करके ऑप्शन वन और टू को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैं ऑप्शन वन क्लिक करूँगी और सेलेक्ट करूँगी सॉरी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आप कोई और जो है वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगी, यस मैं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे वाई राइट करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटर करूँगी, अब वो पूछ रहा है दोबारा से, फिर पूछ रहा है कि अब आपने किसका जो है एरिया सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको कहूँगी कि मैंने ऑप्शन टू का करना है, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो आप उसने मुझे उसका निकाल के दे दिया ये वाला, ठीक है। और अब फिर वो पूछ रहा है कि आप और करना चाहती हैं, तो मैं फिर जो है यस एंटर करूँगी। तो फिर इस तरह से यानी कि आप इसको यस करते जाएंगे तो ये आता जाएगा, आप वन टू इसके ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये आता जाएगा, ठीक है। तो यह चीज़ है। अब वो कह रहा है कि अब आप चाहती, मैंने कहा कि नहीं नो मैंने नहीं आप कोई एंट्री करनी, तो मैंने किया तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। तो यही वो चाह रहा था कि जब आप जो हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करें तो यस आए, तो फिर आप जो है आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उसके बाद आपके सामने उसका जिस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वो उसका रेक्टेंगल का या फिर सर्कल का वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो है वो नो किया तो प्रोग्राम फिर जो है वो एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो ये आप लोग, अब मैं कोई भी की दबाऊंगी यहाँ से इसको टर्मिनेट करने के लिए। तो ये आप लोगों का सलूशन था इसका CS201 का, बिल्कुल 100% करेक्ट सलूशन आप लोगों के सामने जो है वो रन भी मैं कर रही हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, नोट पैड के अंदर मैंने जो है ये कोड राइट किया होगा, ठीक है। तो ये फाइल जो है मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोड को जो है आपने इसको जो है ये फाइल आपने इसको यहाँ से कोड आप सेलेक्ट करके टैब के अंदर भी जाके कॉपी पेस्ट पर करके रन कर सकते हैं। तो अगर आप इसी को फाइल को आप सेव एज करवा के ना अपने आईडी लिख के तो फिर साथ में जो है आप डॉट सीपीपी फाइल लिखेंगे तो तब भी ये सीपीपी फाइल बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो डॉट मैं सीपीपी डाल दी हूँ यहाँ पे, तो इसको भी जो है मैं इसको इसके अंदर जो है वो ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये सेव हो गया, ठीक है।
तो ये फाइल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग इजीली इसको जो है वो डाउनलोड करके, तो जैसे जैसे मैंने बताया है जहाँ जहाँ पे मैंने चेंजिंग करके बताई है आप लोगों को, तो वो आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेव किया है। ठीक है, ये डॉट सी पी पी के नाम से ये एम सी वो ये मैंने फला फला लगाया है ना, तो डॉट सी पी पी लिखा है, तो ये यहाँ पे आके इसके अंदर सेव हो गई है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कोड आप चाहे जिस मर्जी एडिटर में लिखे, नोट पैड पर लिखे, आप इसके नोट पैड प्लस प्लस पे राइट करें कोड को, बल्कि कोड को राइट आपने करना ही नहीं, कोड आपको गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखें आप डाउनलोड लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप इसको जो है राइट इसको कॉपी करें और फाइल्स को और यहाँ पर सेव एज करवा के अपनी आई डी लगाएं, डॉट सी पी पी लगाएं, डॉट सी पी पी फाइल आप लोगों के पास आ जाएगी, उसको डेव के अंदर आप रन करें, रन करने के बाद आप उसमें साथ साथ जैसे जैसे मैंने बताया उसमें चेंजिंग करते जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आईडी लाजमी मेंशन करनी है, वो ना हो कि आप यहाँ पे कोड के अंदर आईडी और नेम जो है वो लाजमी आप मेंशन करना, तो बहुत इजी सी है, आप तकरीबन 5 मिनट में असाइनमेंट्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपनी आईडी नेम ऐड करके और अपनी आईडी से सेव करवा के तो सीपीपी फाइल आप लोगों ने सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये छोट सा कोड था इसका और ये असाइनमेंट थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और सारा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्या करना है। अब आप जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर असाइनमेंट्स का जो है सोल्यूशन प्रोवाइड्स करती हूँ, साथ में लिंक होता है आप लोग डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जो 5 मिनट में अपने असाइनमेंट जो है वो रेडी कर सकते, बिल्कुल 100% ग्रैप सोल्यूशन होते हैं मेरे, जो सोल्यूशन मैं रेडी करती हूँ उसमें मैंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही वो मैं फाइल प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग ईजिली उसको जो है वो उसमें चेंजिंग करके सबमिट करवा सकें। तो जो है अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और जो है कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, व्हाट्सअप नंबर भी होता है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप भी होते हैं, हर वीडियो के नीचे मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आके आपने कोई चीज़ पूछनी है उधर पूछ सकते हैं, अगर पर्सनली पूछनी है कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो तब भी आप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करें और साथ में कमेंट भी अच्छा से दें कि वीडियो कैसी लगी है, और आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसका भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे ही जो है मैं आप वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फौरी जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप इजीली जो है पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।